ताइवान के पास जारी चीन की मिलिट्री ड्रिल के दौरान चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न कमांड ने अपने जॉइंट सॉर्ड नाम की एक्सरसाइज का पहला एनिमेशन वीडियो जारी किया है, जिस पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो किस तरह से ताइवान पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स कंडक्ट करेंगे। और अभी के समय जिस तरह की मिलिट्री ड्रिल चीन ताइवान के चारों तरफ कंडक्ट कर रहा है, तो चीन ने इस तरह की मिलिट्री ड्रिल लास्ट टाइम यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के दौरान करी थी। और बाकी इस एनिमेशन वीडियो में चीन ने ये तो दिखा दिया कि वो किस तरह से ताइवान पर स्ट्राइक करेगा, लेकिन उसने ये नहीं दिखाया कि ताइवान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई कैसी होगी। पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है कि चीन ने जो एक प्रिसिशन सिमुलेशन स्ट्राइक्स को लॉन्च किया है, तो इसमें उसने जिन फॉरेन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करके दिखाया है, तो उसमें से एक टारगेट अमेरिका का यूएसएस निमिट्स सुपर कैरियर भी है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस का ये एयरक्राफ्ट कैरियर वर्तमान समय में इसी रीजन में स्टेशनड है। और बाकी चीन की इस ड्रिल को लेकर हम वही कहेंगे कि चीन की उस फाइनल वार्निंग की तरह है, जो कभी भी फाइनल नहीं होती है। और वैसे भी आपने कहावत सुनी होगी कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, या फिर यूं कहें जो गरजते हैं अक्सर वो बरसते नहीं है।